हेलो एवरीवन, आई होप कि जो स्क्रीन है वो आपको काफी क्लियर नजर आ रही होगी। तो इसका एक नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, जिसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की रिक्रूटमेंट है और ये परमानेंट है। कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आप अपनी वैकेंसीज को देख पाएंगे, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। और शॉर्ट नोटिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेयर किया था तो काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, तो उसके बारे में शॉर्ट बात कर लेते हैं। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के क्लिक करना है, यहाँ पर वर्क विद अस के साथ। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, एक नेक्स्ट यहाँ पर पोर्टल खुलेगा, एक नेक्स्ट पेज, जिसपे कि इन्होंने लिखा है कि करियर एट द फाउंडेशन क्यों है, बाकी चीजें अपने बारे में बताई हैं। यहाँ पे अनाउंसमेंट, नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट फॉर स्कूल टीचर्स रिसोर्स पर्सन 31 अगस्त, यानी अप्लाई आप 24 अगस्त तक कर सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट नोटिस पे आपको बता रही हूँ, जिनको की डाउट था। तो अभी भी अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो 24 अगस्त तक आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज रिसोर्स पर्सन के साथ साथ यहाँ पर स्कूल टीचर्स की भी आई है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख पाएंगे जाकर के कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या तरीका है, और जॉब लिस्ट भी देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा आपका, रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग होगी, जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू राउंड्स होंगे, मल्टीपल स्टेजेस पे ये राउंड्स होते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे। और और उसके उसके बाद बाद जो जो बच्चे बच्चे इस इस राउंड राउंड को को क्वालिफाई क्वालिफाई करेंगे, करेंगे यहाँ उनको पर ऑफर ऑफर लेटर्स लेटर्स आपको आपको दिए दिए जाएंगे, जाएंगे, तो तो उसको उसको भी भी आप आप जो जो अवेल अवेल कर कर पाएंगे पाएंगे ऑन ऑन द द ईमेल ईमेल एड्रेस। एड्रेस। तो तो इस इस चीज चीज को को बहुत बहुत ध्यान ध्यान से से भरिएगा। भरिएगा। ये ये तो तो हो हो गई गई बात बात की की भाई भाई कैसे कैसे आपको आपको फॉर्म फॉर्म जो जो है है भरना भरना है। है। वापस वापस से से इस इस पेज पेज पे पे चलेंगे, चलेंगे, यहाँ यहाँ पर पर जो जो हम हम अभी अभी बात बात कर कर रहे रहे थे थे वर्क वर्क विद विद अस अस के के साथ, साथ, यहाँ यहाँ पर पर जाकर जाकर के के सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस देखा देखा आपने, आपने, स्कूल स्कूल टीचर्स टीचर्स में में पोजीशंस पोजीशंस कौन 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 सी सी आई आई है, है, इसके इसके बारे बारे में में एक एक बार बार देख देख लेते लेते हैं हैं कि कि किन 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 जो जो है है वैकेंसीज वैकेंसीज के के लिए लिए आप आप अप्लाई अप्लाई कर कर पाएंगे। पाएंगे। तो तो यहाँ यहाँ पर पर इन्होंने इन्होंने एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी दी दी है है प्राइमरी प्राइमरी के के लिए लिए 12th ट्वेल्थ ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन प्लस प्लस एनटीटी। एनटीटी। प्राइमरी प्राइमरी के के लिए लिए ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हो हो जी, जी, बीएड बीएड हो हो और और डीएड डीएड हो, हो, मास्टर मास्टर डिग्री डिग्री हायर हायर एजुकेशन एजुकेशन के के लिए लिए चाहिए, चाहिए, और और वैकेंसी वैकेंसी आई आई है है इंग्लिश इंग्लिश में, में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, में, फिजिक्स फिजिक्स में, में, बायो बायो में, में, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस और और यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको बीएड बीएड चाहिए चाहिए होगा। होगा। भाषा भाषा दोनों दोनों पे पे कमांड कमांड हो हो और और टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस 2 साल2 साल का का हो, हो, तभी तभी आप आप अप्लाई अप्लाई कर कर पाएंगे। पाएंगे। और और जॉब जॉब जो जो है है उत्तराखंड उत्तराखंड में में है, है, काउंसलर काउंसलर की की जॉब जॉब छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में में है, है, कर्नाटका कर्नाटका में, में, राजस्थान राजस्थान में में है। है। तो तो काफी काफी सारे सारे बच्चों बच्चों को को था था कि कि भाई भाई हम हम फास्ट फास्ट लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस में में नहीं नहीं जाना जाना चाहते, चाहते, बट बट यहाँ यहाँ पर पर आपका आपका जो जो इंटरव्यू इंटरव्यू और और रिटर्न रिटर्न टेस्ट टेस्ट है है वो वो आपका आपका घर घर से से ही ही होगा, होगा, डिजिटल डिजिटल होगा। होगा। तो तो इसको इसको अप्लाई अप्लाई कर कर दीजिए, दीजिए, एक एक बार बार चेक चेक कीजिए कीजिए कि कि आपकी आपकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, आपका आपका जो जो तैयारी तैयारी कहाँ कहाँ तक तक पहुंची पहुंची है, है, जो जो काफी काफी आपको आपको हेल्प हेल्प करेगी करेगी ग्रेड ग्रेड करने करने में में आपकी आपकी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को। को। और और आपको आपको अप्लाई अप्लाई कैसे कैसे करना करना है, है, यहाँ यहाँ पर पर जिस जिस भी भी पोजीशन पोजीशन के के लिए लिए आप आप जाना जाना चाहते चाहते हैं, हैं, फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर अगर आपको आपको उत्तराखंड उत्तराखंड में में अप्लाई अप्लाई करना करना है, है, तो तो यहाँ यहाँ पर पर आप आप बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई अप्लाई नाउ नाउ का का बटन बटन जैसे जैसे प्रेस प्रेस करेंगे। करेंगे। अप्लाई अप्लाई नाउ नाउ करने करने के के बाद बाद एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पेज आपको आपको यहाँ यहाँ पर पर ओपन ओपन होता होता दिखेगा, दिखेगा, जहाँ जहाँ पर पर आपके आपके सारे सारे इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, आपका आपका टाइटल टाइटल क्या क्या है, है, फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम क्या क्या है, है, लास्ट लास्ट नेम नेम क्या क्या है, है, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, है, किस किस पोस्ट पोस्ट के के लिए लिए अप्लाई अप्लाई करना करना है, है, पीजी, पीजी, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज डिटेल्स, डिटेल्स, जो जो 2 साल2 साल आपने आपने जॉब जॉब की की है, है, जो जो कि कि एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया है। है। एड एड अनदर अनदर आइटम, आइटम, अगर अगर आपने आपने कुछ कुछ क्वालिफाई क्वालिफाई किया किया है, है, टोटल टोटल ईयर ईयर ऑफ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज लैंग्वेज कौन 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 सी सी आती आती है, है, रेफरेंस रेफरेंस किसी किसी का का देना देना चाहें, चाहें, तो तो यहाँ यहाँ पर पर बच्चे बच्चे पूछ पूछ रहे रहे थे थे कि कि रेफरेंस रेफरेंस किसका किसका दे, दे, तो तो किसी किसी का का भी भी रेफरेंस रेफरेंस आप आप डाल डाल सकते सकते हैं, हैं, अगर अगर कोई कोई वर्किंग वर्किंग है है तो तो भी। भी। और और ये ये जो जो स्टार स्टार है, है, ये ये इट इट इज इज शोइंग शोइंग इट इट इज इज नॉट नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी, तो तो यहाँ यहाँ पर पर आप आप एनए एनए भी भी लिख लिख सकते सकते हैं, हैं, तो तो आपका आपका सबमिट सबमिट हो हो जाएगा जाएगा फॉर्म। फॉर्म। एड्रेस, एड्रेस, ईमेल ईमेल आईडी, आईडी, इंटरव्यू इंटरव्यू अर्लियर अर्लियर अगर अगर आप आप चाहते चाहते हैं हैं कब कब तक तक हो हो आपका, आपका, ये ये सारी सारी चीजें, चीजें, और और कंप्लीट कंप्लीट किया किया है है कि कि नहीं, नहीं, ये ये सब सब जॉब जॉब स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन क्वेश्चंस क्वेश्चंस कौन 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 से से हैं, हैं, और और यहाँ यहाँ पर पर ओके ओके करके करके आप आप सबमिट सबमिट का का बटन बटन प्रेस प्रेस करेंगे। करेंगे। तो तो ये ये चीज चीज आपको आपको ध्यान ध्यान रखना रखना है। है। तो तो ये ये मैंने मैंने आपको आपको एक एक रैंडम रैंडम जो जो है है स्क्रीन स्क्रीन यहाँ यहाँ पर पर शो शो की की है, है, विच विच इज इज वेरी वेरी क्लियर क्लियर टू टू यू, यू, आई आई होप होप सो। सो। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये तो तो की की बात बात कैसे कैसे आपको आपको अप्लाई अप्लाई करना करना है, है, एक एक पोजीशन पोजीशन के के लिए लिए एक एक कैंडिडेट कैंडिडेट एक एक बार बार में में अप्लाई अप्लाई कर कर सकते सकते हैं, हैं, मल्टीपल मल्टीपल पोजीशंस पोजीशंस के के लिए लिए अप्लाई अप्लाई मत मत कीजिएगा, कीजिएगा, वरना वरना आपका आपका फॉर्म फॉर्म रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो जाएगा। जाएगा। दिस दिस इज इज ऑल ऑल अबाउट अबाउट द द सेशन। सेशन।
और एक अच्छा वर्क कल्चर भी इनका यहाँ पर है, तो दिस इज गुड इनफ फॉर यू नो द कैंडिडेट्स. दिस इज ऑल अबाउट द सेशन. शॉर्ट नोटिस पे मैंने बनाई है ये वीडियो, जिनको डाउट था इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सारे स्टूडेंट जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किए हुए हैं उनको एटलीस्ट इसका जो है फायदा मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर जाकर के आप चेक कर पाएंगे चीजें. थैंक यू. ऑल द बेस्ट एवरीवन. एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. डोंट फॉरगेट टू फॉलो और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप बीट द कॉम्पिटिशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और फर्दर प्रिपरेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल बीट द कॉम्पिटिशन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी.